किया है, लोकसभा चुनाव को लेकर पोस्ट किया गया है। उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा है कि देश में 18वीं लोकसभा हेतु 7 चरणों में हो रहे आम चुनाव में कल मतदान के पहले चरण से ही पहले मतदान, फिर जलपान के संकल्प के साथ अपने वोट के बहुमूल्य संवैधानिक अधिकार का निर्भय होकर इस्तेमाल करके देश में गरीबों, मेहनतकशों, वंचितों की बहुजन हितेशी सरकार चुने, यही पुरजोर अपील है। तो ये ट्वीट किया है बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने। इसके साथ ही उन्होंने आगे लिखा, परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुपम संविधान के तहत बिना किसी भेदभाव के एक वोट का मिला अधिकार ऐसी लोकतांत्रिक शक्ति है जिसके जरिए सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करके गरीब, कमजोर व उपेक्षित लोग अपना उद्धार खुद करने योग्य बनकर अपनी गरीबी व लाचारी का जीवन दूर कर सकते हैं। आगे उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा है, इसलिए वोट के अधिकार की रक्षा पूरे जी जान से करनी है। संविधान रहे आपका, कोई वोट खरीदा ना जा सके, लूटा ना जा सके, कोई वोट पड़ने से ना रह जाए तथा धन बल, मंदिर मस्जिद और आदि के नाम पर आपके वोट का गलत इस्तेमाल ना हो, वोट जरूर डालें, यही सबसे बड़ा कर्तव्य व बाबा साहेब को श्रद्धांजलि है। तो ये ट्वीट किया है बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने, जिसमें उन्होंने लोगों से अपील की है कि अपने जो अधिकार है, वोट का जो इस्तेमाल है, वो आप सावधानी पूर्वक करें और ध्यान से करें, मत का प्रयोग आप जरूर करें और वोट डालें। उन्होंने आगे लिखा कि खासकर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग व रूलिंग पार्टी द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन रोकना भी जरूरी है। वहीं रुद्रप्रयाग में जिला